ज्ञान प्रकाश गुरु मिल्या सो जिन बिसरि जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। कबीर कहते हैं कि सच्चे गुरु के मिलने पर ज्ञान का प्रकाश फैल गया है। मेरी इच्छा ये है कि जिस गुरु ने मुझे ज्ञान दिया है वो मेरे हृदय से कभी मैं उसको अपने हृदय से भुला मैं हृदय से भूलूँ ना उसको। कबीर का मत है कि मुझे सच्चा गुरु तभी प्राप्त हुआ जब मेरे ऊपर भगवान का अनुग्रह हुआ। देखो बच्चों, जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है तब तक अच्छा गुरु नहीं मिलता है, अच्छे लोग नहीं मिलते हैं। तो यहाँ इस दोहे में कबीर ने एक अच्छे गुरु की महत्ता को बताया है। माया दीपक नर पतंग और भ्रमि भ्रमि इवय पढ़ंत, अकहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक यादव बरंत। संत कबीर कहते हैं कि माया रूपी दीपक के सामने मनुष्य पतंगे के समान है। जिस प्रकार पतंगा दीपक को देखकर उसकी तरफ दौड़ता है और भ्रमित होकर उस पर गिरकर जल जाता है, उसी प्रकार यह आदमी भी माया के चारों ओर चक्कर काटता रहता है और अंत में वो बिल्कुल नष्ट हो जाता, बर्बाद हो जाता है। कबीर कहते हैं कि गुरु से ज्ञान प्राप्त करके ही मनुष्य माया के इस बंधन से बच सकता है, किंतु कोई बहुत ही बिरला व्यक्ति ही इस ज्ञान को प्राप्त करके माया रूपी दीपक की आग में जलने से बच जाता। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम ना हैं, अब प्रेम गली अति सा करे तामे दोन समाए। बच्चों, यहाँ पर संत कबीर कहते हैं कि जब मुझ में घमंड था मेरे अंदर, तब तक ईश्वर रूपी गुरु से स्वयं को मैं अलग मानता था, मैं गुरु को मानता ही नहीं था क्योंकि हमारे हमारे अंदर घमंड था। लेकिन ज्ञान होने पर मुझे सब और ईश्वरीय सत्ता ही दृष्टिगोचर आ रही है। जब ज्ञान होता है तो भगवान कण कण में दिखाई देते हैं। जब गुरु का ज्ञान अंदर जाता है हृदय में तो कण कण में भगवान दिखाई देते हैं। तो जो है, और लेकिन जब ज्ञान हुआ मुझे तो भगवान की सत्ता, भगवान मुझे कण कण में दिखाई दिए। प्रेम की गली, प्रेम का रास्ता बहुत ही सकरा है। इसमें दो चीज़ें नहीं आ सकती, या तो आप इसमें गुरु के प्रेम को रख लो या तो अपना घमंड रख लो। है कबीर का मतलब यही है कि ईश्वर के दर्शन पाने के लिए हमें अपने अंदर के घमंड को नष्ट करना चाहिए। बच्चों, भाषा सधुकड़ी, रस शांत, छंद तो दोहा है ही, अलंकार देखो हर जगह रूपक अनुप्रास की भरमार है। प्रभु प्राप्ति में अहंकार ही सबसे अधिक बाधक सिद्ध होता है। तो इन दोहों में कबीर ने गुरु की महिमा का वर्णन किया है। भगति भजन हरि नाम है अदूजा दुख अपार, मन सा बाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। यहाँ पर बच्चों जो है कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान के नाम को याद करना ही वास्तव में भक्ति और भजन कहा जाता है। भगवान को भूलो नहीं, इस संसार में सब काम करो लेकिन भगवान को ना भूलो, भगवान का भजन करो, भगवान को जो है याद करो। ईश्वरीय भक्ति और ईश्वर का नाम ही महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त इस संसार में शेष सभी केवल अपार दुख का कारण ही सिद्ध होते हैं। न परिवार, न घर, न दरवाजा, न संसार, अंत में भगवान ही याद आते हैं। अर्थात भक्ति के नाम पर किए जाने वाले विविध प्रकार के आडंबर अंत में व्यक्ति के लिए दुखद ही जो है सिद्ध होते हैं। इसलिए आडंबर ना करे चाहिए, ढकोसला ना करे चाहिए, सच्ची सच्ची भक्ति करनी चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि इसीलिए मनुष्य को अपने मन वचन और कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार, अपने मन वचन और कर्म से संसार के मूल तत्व, संसार का मूल तत्व क्या है, ईश्वर भगवान ईश्वरीय सत्ता का ही स्मरण करना होगा। तो बच्चों वही भाषा है सधुकड़ी रस शांत, जहाँ भक्ति की बात आए वहाँ समझो रस शांत है, रस है। छंद दोहा अलंकार अनुप्रास, अनुप्रास का है भगति भजन में भा भा अक्षर बार बार आया,
है तो जो है दूजा दुख में देखो अनुप्रास अलंकार, जहाँ एक अक्षर कई बार आए अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है और उल्लेखनीय अलंकार भी है।